और गाइस अभी सुबह निकल चुके हैं वॉक पे और हर जगह थोड़ा थोड़ा जमा हुआ पानी दिख रहा है। ये देखिए, ये कल बारिश हुआ था यहाँ हमारे धनबाद में, फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा है। मन तो नहीं कर रहा था सुबह निकलने का, पर चलिए चलते हैं, फिटनेस को तो छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए, अभी टाइम हो रहा है 5:30। अभी तक तो दोस्तों हम आप लोगों को जितना भी नज़ारा दिखाए थे, अभी उससे भी और मज़ेदार नज़ारा आने वाला है, क्योंकि देखिए और ये मेरे पीछे टीवी सेंटर का रास्ता है। दोस्तों अभी बच चुके हैं 6 और सूरज की किरणों का जरा सा भी नहीं दिख रहा है आसार, एकदम आसमान एकदम नीला नीला है। ठंड भी आज कुछ मज़ेदार सा लग रहा है, चश्मा में जम जा रहा है। दोस्तों आज ठंड भी कुछ अलग सा ही मज़ेदार सा लग रहा है, फील हो रहा है। और कोयला नगर पूरा खाली खाली है, ये देखिए। जैसे मैं मटियाने वाला था आज कि नहीं जाएंगे छोड़िए, वैसे कितना लोग ने मटिया दिया होगा, बट अच्छा लग रहा है खाली खाली में घूम करके। ठंडा उतना फील हो नहीं रहा है, निकलते समय लग रहा था कि ठंडा होगा, अब लग रहा है कि पुराना वाला कोयला नगर वापस फील हो रहा है। और ये देखिए गाइस सुबह सुबह का नज़ारा, ये आपका नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड जो है। कल तो इस टाइम तक मस्त धूप निकला हुआ था और अभी एकदम, और ये देखिए हमारा फ्रेंड जो है बच्चा, ये डेली आता है, दिख नहीं रहा होगा आपको दूर से। चलिए हम अपना वर्कआउट वगैरह करते हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य इज ब्लॉगिंग। तो दोस्तों आज है वेडनेसडे यानी कि बुधवार और हम लोग वर्कआउट करके जा रहे हैं और समय हो रहा है अभी 7:15 और हम लोग बस पहुंचने ही वाले। और आज जैसा कि आपको सुबह दिखाया मौसम बहुत ही मस्त था। और ये हमारी मम्मी, मम्मी माँ मदर मम्मी जान। चलिए दोस्तों चलते हैं घर, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है दिन भर। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं घर पर। ये देखिए दोस्तों आज स्टीलियट का नज़ारा, अभी बच चुके हैं 7 और हम लोग लग रहा है कि बिहार के किसी गांव में आ गए हैं। चलिए हमारा पुराना धनबाद लौट के आ गया ऐसा लग रहा है। गाइस ये देखिए धनबाद का असली कुहासा। गाइस हम लोग घर आ गए। चलिए हम दरवाजा खोलिए, अंदर चलेंगे। पेपर हिंदुस्तानी पेपर पढ़ेंगे, जय हिंदुस्तान। और बाबू सब बढ़िया, सब जगह से खा के आ गया तुम? लो गाइस अभी जस्ट मैं एडिटिंग करके उठा हूँ और एडिटिंग मेरा कंप्लीट हो गया। टाइम हो रहा 10:30 बज रहा है और प्रेस वगैरह हो गए हैं और मम्मी के साथ जा रहे हैं अभी बाजार जाएंगे हम लोग। ये पौधा है मेरा यहाँ और ये मेरी फिश है, लॉक कर देते हैं। मम्मी नीचे चली गई है, वैसे तो प्रोग्राम है गाइस झींगा मछली का, बट देखते हैं झींगा मछली मिलता है नहीं मिलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखो टाटा कर दे, टाटा इधर इधर देखो दिखा रहा हुआ आपको दिखा दे रहा करो। कैसे दे रहे सरसों? 30 रुपए किलो, 25 लगा। और सुबह सुबह का नज़ारा है आपका सब्जी मंडी का, स्टील गेट फ्राइडे ना, और काफ़ी सारे फ्रेश सब्जियां दिख रही हैं, तो दिखाते हैं आपको। शिमी दे रहे 40 रुपया। कैसे टमाटर कैसे? कुछ नहीं बोलते हमको, बेच दो 30। पढ़े लिखे हाई है ना, बोलेंगे। ड्राइवर मिल गया दोस्तों, उसे बात करने लग गए थे, उसी दौरान मम्मी आगे बढ़ गई, पता नहीं कहाँ गई है। देखते हैं दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रही है। ये आपको सब्जी का टूर करा देते हैं जब तक। कैसे दे रहे टमाटर? 25। आइए सर्दियों में फ्रेश फ्रेश सब्जियां खाइए, सस्ती सस्ती सब्जियां। और उधर दोस्तों आपका सामने उधर चिकन वगैरह मिलता है और उधर मटन का, अगर आप स्ट्रीट में शॉपिंग करते हो मटन नॉनवेज का तो आपको पता होगा सब नामी दुकान है मटन के लिए। हो रही मम्मी दोस्तों, मास्क तो जरूरी है। ये देखिए दोस्तों मछली मार्केट शुरू है। ये देखिए मछली, जिंदा मछली दिखा रहे हैं उधर।
अरे भैया कैसे हैं? ठीक है भैया। दोस्तों ये भी एक यूट्यूबर है, इनका भी मछली का वीडियो सब आता है, ऐसे जिंदा जिंदा बेचते हैं। बोलिए मान इस दुकान का दुकान है, यहीं पर ताजा ताजा मछली बेचते हैं। अच्छा आप मतलब हर वैरायटी का मछली मिल जाता है लोकल? जो मछली चाहिए भैया हमें मछली मिल जाएगा। और दोस्तों ये आपका यहाँ पे स्टील गेट में कोणार्क रेस्टोरेंट है, उसके सामने जो सब्जी मंडी लगती है भैया का यही कॉर्नर में ही है। इधर डार्क बम भी दिखा दीजिए। डार्क बम गौतम, चलिए ठीक है आप फोन नंबर दोस्तों नोट कर लीजिए। नंबर तो दे दिए भैया। अच्छा ठीक है दोस्तों, यही वाला झींगा लेके जा रहे हैं, आधा किलो अच्छा काफी बड़ा साइज है इसका। चलिए ठीक है। सो गाइस ये मम्मी अभी बना रही है प्रॉन यानी कि झींगा मछली, और दिखाई तो मम्मी कैसे इसको साफ करते हैं, निकालते हैं इसका। ये बना के दे रहा था लेकिन हम बोले अपने से बनाएंगे। पीठो अंदर से लंबा सा पतला वाला निकलता हूं, निकाले पीठ पर से निकालेंगे ऐसे। मुंडी छील दी है। इसका पीठ काट दे रही दोस्तों मम्मी, इसका पीठ पर से एक ठो रेशा होता है उसको ऐसे निकाल देना चाहिए जनरली। ये देखिए जो निकला है पतला सा। तो दोस्तों मम्मी साफ करती है, तब तक बाकी का आपको बाद में दिखाते हैं, चलिए बने रहिए हमारे साथ। और इधर चावल पक रहा है। एक चीज़ भूल गए थे हम लोग, फिर से दूसरा मछली मैं आपको दिखा रहे हैं। इसे मुंडी के पास से भी कुछ निकालना पड़ता है, दिखाइए तो देखिए पूरा साफ हो गया। इसको नहीं निकालते हैं किसी किसी को। ये देखिए अब एकदम साफ हो गया, हल्का सा वो निकला तो अब इसको यहाँ से पूरा निकला दोस्तों। ये सारा निकल गया, साफ हो गया है। प्याज और अभी प्याज लहसुन हमने काट के रख दिया है, सब खड़ा खड़ा मस्त देंगे प्याज लहसुन सब बिना पीसे। हाँ दोस्तों इसे पंच फोड़न डाल दिए हैं और ये तेज पत्ता, और इसको मम्मी बोल रही है कि बिना फ्राई करके बनाएगी, वरना अगर फ्राई करने से इसका बाहर का जितना इसका ये देखिए इसका जो टेक्सचर होता है ना बनावट जो है स्ट्रक्चर, ये फ्राई करने से पूरा खराब हो जाता है। मछली में हम लोग कर लेते हैं क्योंकि उसका थोड़ा हार्ड और अलग अलग टाइप का लेयर होता है। इसको मम्मी बोल रही है कि अलग ढंग से बनाएंगे ताकि इसका न्यूट्रिएंट्स खराब ना हो, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट लगेगा ही लगेगा। तो आप लोग भी देख लीजिए किस तरह से बनता है ये, ताकि आप लोग भी ट्राई कीजिए और थोड़ा नया स्वाद भी चख लीजिए। स्वाद तो नया होगा ही, प्लस इसमें आपका न्यूट्रिएंट्स जलेगा भी नहीं, फायदा भी रहेगा। तो अच्छा दिखाइए मम्मी कैसे बनाते हैं हम लोग। गाइस देखिए इसको मतलब कहने का मतलब है बेसिकली कि इसको हम लोग चिकन की तरह बनाएंगे। प्याज अभी थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए, प्रॉन्स को कढ़ाई में डाल करके हल्का फ्राई करेंगे बिना पानी और बिना मसाला का, चलाते चलाते फिर मसाला देंगे फिर फ्राई करेंगे। जैसे चिकन भूनते हैं हम लोग, जैसे हम लोग चिकन भूनते उस तरह से फिर फ्राई करेंगे इसको, और फ्राई करते करते फिर हल्का नरम हो जाएगा। अब लगेगा कि हाँ अब पानी डालना चाहिए, तब मम्मी पानी डाल कर फिर ग्रेवी डाल के बनाएंगे नॉर्मल चिकन करी जैसा। तो आप लोग वैसे बनाइएगा क्योंकि हम निकल रहे अभी पूरा दिखा नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों प्याज हल्का गल गया है, डालिए। गाइस इसमें प्रॉन डाल दिए हम लोग, ये हल्का मम्मी है जिसको प्याज में फ्राई करेगी। डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। देखिए गाइस झींगा मछली तैयार। और गाइस इसमें सारे घरेलू मसाले डाले हुए हैं, जैसे कि होते हैं जीरा, काली मिर्च, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर ये सब। हे गाइस वेलकम बैक अगेन। तो अभी नहाकर फ्रेश होकर एकदम चकाचक रेडी हैं, और हाँ वही वाला हुडी पहने दोबारा क्योंकि अभी साफ ही था, कल ही पहने थे इसको, कल ही निकाले थे, कल ही पहने थे तो एक दिन में गंदा तो होता नहीं है, और मैं डेली नहाने वाला बंदा हूँ। तो खाना खाते हैं जल्दी निकलते हैं, फिर टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहे हैं, तो जल्दी से खा के निकलते हैं, जल्दी आपको खाना दिखाते हैं क्या है मेरा खाना, जल्दी बने रहिए। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये देखिए हमारा धनबाद का नज़ारा। हमारा धनबाद का मौसम का बात ही कुछ निराला है दोस्तों। कभी अभी दो दिन बारिश हुई है और फिर आज धूप निकल आई है, चलिए बढ़िया है। इसलिए मुझे सबसे बेहतर अपना धनबाद का मौसम ही लगता है। आवर धनबाद इज द। सो ये रहा गाइस जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, प्रॉन। ऐसा लग रहा है कि चिल्ली बना रहे हैं। मेरे जितने व्यूवर्स हैं उन सब में से जो प्रॉन लवर्स हैं उनके लिए ये टेस्ट कर लीजिए, आपके लिए ये बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी मम्मी कह रही है। जो पहले जिस तरह से वो कच्चा में बनाए उसे बनाने से ना एलर्जी नहीं होता।
एलर्जी नहीं होता, इसको होता तो दिक्कत भी नहीं होता है। और इसमें काफ़ी हैवी अमाउंट में दोस्तों प्रोटीन्स होते हैं, तो मुझे देख के बहुत मुँह पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चिकन दिखाती है। तो चलिए खाते हैं। और ये रहा मेरा डिनर गाइस, तो चलिए खाते हैं, पहले टेस्ट ही करते हैं। मज़ा आ गया। और ये हम लोग को मिला है, कैसे रुपए केजी मिला है मम्मी? ऐसे तो दोस्तों 600 रुपए बोल रहा था, बट हम लोग जिस भैया से लाते हैं हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्काउंट लगा ही देते हैं, भले बढ़ा के लगाए जो भी लगाए। तो 500 रुपीज केजी पड़ा है ये, और बड़ा वाला प्रॉन्स है। मम्मी मज़ा आ गया खा के, एकदम लग रहा है कि मटन चिल्ली खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं इधर। थैंक यू क्या आप, थैंक यू। चिकन भी इसके सामने फैला दोस्तों, मज़ा आ गया एकदम। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जो लोग नए चैनल पर सब्सक्राइब मारिए दोस्तों, सब्सक्राइब बिना सोचे समझे सब्सक्राइब मारिए, कि बहुत मज़ेदार चैनल है, कि आने वाले वीडियोस में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय सी यू टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।